हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के है और गूगल शीट में गोल सिक ऑप्शन आ नहीं रहा है। तो गोल सिक ऑप्शन कहां से लेके आएंगे और उसको समझाने के लिए एक एग्जांपल, होटल का एग्जांपल, ये हमारे यहाँ है एक होटल, तो स्वाद गृह नाम का एक होटल है जहां आप 3 महीने पहले गए थे, सपोज कीजिए, समझाने के लिए एग्जांपल यूज कर रहा हूं, और बर्गर के रेट उसमें क्या थे, फिर मोमोज के रेट क्या थे और फिर उसका टोटल यहाँ पे करूंगा, ठीक है। और इससे भी पहले देख लेते हैं कि ये गोल सिक ऑप्शन एक्टिवेट कैसे होगा। यहाँ पर डेटा टाइप में अगर आप जाते हैं तो आपको कोई भी गोल सिक ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ेगा, तो आपको कहाँ जाना है, एड ऑन पे जाना है। और यहां से देखिए मैंने एक्टिवेट कर रखा है इसे, तो आपको जाना है गेट एड ऑन्स, यहां पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये एक विंडो खुल करके आएगी, यहां पर आपको सर्च क्या करना है, यहां पर सर्च करना है गोल, एक बार गैप, फिर सिक, तो गोल सिक यहां पर आ जाएगा। यहां पर इसको सर्च करेंगे तो यहां पे देखिए गोल सिक आ चुका है और यहां पर क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए आप, ठीक है। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो एड ऑन जो ये मेन्यू है इसमें आपको गोल सिक दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। अब यहां पर रखता हूं, जैसे मान लीजिए कि 3 महीने पहले 40 रुपए का एक बर्गर मिला था, ठीक है, और 60 रुपए का मोमोज मिला था, ठीक है, फुल। तो यहां पर देख लीजिए ये इस तरह से आ रहा है, इसको हम सही कर लेते हैं, ये जो डॉलर का साइन आ रहा है। तो आपको कहां जाना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में जाने के बाद ये जो नंबर दिख रहा है, फिर नीचे आइए इंडियन रुपीज पे चले जाइए, तो ये इंडियन रुपीज में आ जाएगा। और फिर वही काम आप यहां पर भी करिए, यहां पर नंबर पे जाइए, फिर यहां पे इंडियन रुपीज कर लीजिए, तो ये देखिए ये इंडियन रुपीज का सिंबल है, तो यहां पर आ गए हम। अब यहां पर इज इक्वल टू सम का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ठीक है। ये दोनों शीट, ये दोनों सेल सेलेक्ट नहीं करनी हमें, यहां पर इसको सिलेक्शन में लेना है, इस पूरे को, ठीक है, ये ले लिया हमने और इसको क्लोज किया और एंटर प्रेस कर दिया, तो यहां पे 100 रुपए आ गए, आप देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इसी वाले पे रख लीजिए आप, ये जो टोटल किया इसी सेल में कर्सर को रख लीजिए और एड ऑन जो एक्टिवेट हमने किया है गोल सिक यहां पर आ जाना है, फिर ओपन पर कर देना है क्लिक। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर में यहां पर आप गोल सिक नाम का दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, आपका कर्सर यहां पे है टोटल वाले में, ठीक है, आप यहां पर क्लिक कर दीजिए और फिर ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है कैप्चर सेलेक्टेड सेल, यहां पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये टोटल वाला जो है उसका सेल एड्रेस, सेल रेफरेंस यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे है टू वैल्यू, ठीक है, टू वैल्यू का मतलब कितने रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है, 3 महीने पहले 100 रुपए थे, अब कितने चार्ज किए जा रहे हैं, मान लीजिए 120 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है, और 120 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि मोमोज का रेट नहीं बढ़ा हुआ है, बढ़ा है तो बर्गर का रेट बढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर आप बर्गर वाले कॉलम में क्लिक कर दीजिए और फिर यहां पर कर्सर को रखिए और फिर यहां पर ये जो कैप्चर सेलेक्टेड सेल है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे और यहां पर सॉल्व पे क्लिक करना होगा आपको, सॉल्व जो है यहां पर क्लिक कर दीजिए। अब सॉल्व पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो वैल्यू है ऑटोमेटिकली चेंज होने लगी है, ठीक है, और ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगी, देख सकते हैं आप, मैं कुछ नहीं कर रहा है, ये अपने ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो रहा है। अब देख सकते हैं ये एडजस्ट हो चुका है, ये पूरी वैल्यू एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है। और इस तरह से आप गोल सिक ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प जरूर मिलेगी आपको, और वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।